बुलेटिन की शुरुआत गुरुग्राम की खबर से, जहां क्राइम ब्रांच ने राजीव चौक पर रेड के दौरान 7,92,000 के नए नोट बरामद किए। साथ ही क्राइम ब्रांच ने एक युवक को भी हिरासत में लिया। पूरे देश में आम आदमी 2,000 रुपए के लिए कतारों में लगे हुए हैं, लेकिन देश के ही धनसेठों के घरों में करारे करारे 2-2 हजार के लाखों रुपए के नोट की होम डिलीवरी धड़ल्ले से चल रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम में 2,000 के नोट के करीब 8 लाख के साथ एक युवक को पुलिस ने धर दबोचने में कामयाबी हासिल की। भारी मात्रा में नई करेंसी पकड़े जाने का ये दूसरा मामला है। क्राइम ब्रांच ने राजीव चौक के बाद लेट नाइट चेकिंग करते हुए 7,92,000 रुपये लगभग पकड़े हैं, और जो इसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया तो अपनी कार्रवाई कर दिया। कितने नोट, कौन से नोट थे सर? ये 2,000 डोमिनेशन। आरोपी कहाँ का रहने वाला है सर इसमें? ये DLF के हैं, अभी इनकम टैक्स वाले अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे उनकी तरफ से हमारे को रिपोर्ट मिलेगी उस हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। सर एक क्या पूरा, ये जो भी लोग इस तरह की गतिविधि में शामिल हैं उन सभी के ऊपर हमारे नज़र है, और जो भी गलत गतिविधियों में शामिल मिलेगा उसके खिलाफ मौजूद कार्रवाई। बहरहाल इस मामले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बैंकों और ब्लैक मनी के सौदागरों के रिश्ते सरकार की सख्ती के बावजूद खुलकर फल फूल रहे हैं। योगेश कुमार, गुरुग्राम, समाचार एक्सप्रेस।